बच्चों अभिजीत क्लासेज क्लास एट्थ में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास एट्थ में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत नंबर बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत डिजिट्स पर बेस्ड आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले डिजिट को चेंज कर देने में डिजिट को चेंज कर देने से नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए एक बार उसको जानते हैं। प्रिय बच्चों जैसे हमने कंसीडर किया 27, क्या कंसीडर किया 27, और 7 डिजिट जो है हमारा यूनिट डिजिट है। क्या है ये? यूनिट प्लेस पर है। और 2 जो है हमारा किस प्लेस पर है? टेंथ प्लेस पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 20 × 10, क्योंकि 10th प्लेस पर है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10। और 7 जो है हमारा किस प्लेस पर है बच्चों? यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस की मीनिंग क्या होगी? यूनिट प्लेस की मीनिंग हो गई 1। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं क्या आता है बच्चों? 20 + 7 = 27। फिर आ गया ये क्लियर। अगर हम डिजिट अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट कंडीशन थी केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी यूनिट डिजिट टेंस प्लेस पर आ जा रही है और टेंस डिजिट यूनिट प्लेस पर आ जा रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यानी अब इसके बाद 27 इसी को इन्वर्स कर देते हैं, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, इसको हम इसी कैटेगरी में लिखेंगे 7 डिजिट का स्थानीय मान क्या है? 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? 70 हो गया। समझ में आया? एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था। 2 × 10 लिखेंगे, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 7 × 10। ठीक है, 7 × 10 और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 जो है यूनिट डिजिट पर है, 2 की प्लेस वैल्यू जो है बच्चों 1 है। ठीक है, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 70 + 2। अब इसको हम चेंज कर देते हैं तो 72 आ जाता है। देखिए नंबर में कितना डिफरेंस आ गया, ये 72 हो गया। अब ये नंबर क्या हो गया बच्चों? 72, और ये नंबर क्या था पहले? 27। इतना बड़ा डिफरेंस आया क्या? ओनली फॉर डिजिट चेंज कर देने से। ठीक है बच्चों, इसी पर बेस्ड आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस गिवेन है बच्चों, मिटा दें। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट इन ए 2-डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ओब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द डिजिट इज 18 मोर देन द गिवेन नंबर, फाइंड द नंबर। समझ में आया बच्चों? ये कह रहा है क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2-डिजिट्स नंबर इज 12। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द प्लेसेज ऑफ द डिजिट इज 18 मोर देन द गिवेन नंबर, यानी अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। समझ में आया? जी सर।
आइए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट, लेट द डिजिट्स, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट्स प्लेस बी, यस ठीक है बच्चों, देन देन द डिजिट डिजिट इन द टेंस प्लेस ये हो जाएगा। पहले द सम ऑफ द डिजिट इन टू डिजिट नंबर इज 12, यानी दो नंबर्स का सम कितना गिवन है बच्चों, 12 है ठीक है। एक यूनिट डिजिट हमने x अज्यूम कर लिया है, तो टेंस डिजिट कैसे आएगा, 12 में से x को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, हम लिख देंगे 12 माइनस x ठीक है। यस सर। अब इसके बाद ओरिजिनल नंबर, अब क्या निकाल लेंगे, डियर फोर ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन ए एल ओरिजिनल, प्रिय बच्चों अब इसका ओरिजिनल नंबर होगा, देखिए 10 प्लेस द वैल्यू ऑफ 10, प्लेस वैल्यू 10 होता है ठीक है। इसका यूनिट आ गया है क्या है, 12 माइनस यस, इसकी यूनिट क्या है बच्चों, 12 माइनस यस, यूनिट प्लेस की क्या है यस, यहां पर यस लिख दिया हमने ठीक है, या यस इंटू 1 कर देते हैं, प्लेस वैल्यू इज 1 या 1 इंटू यस लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 इंटू यस, क्लियर 1 इंटू यस। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा 120 माइनस 10x, फिर ये प्लस x, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 120 माइनस 9x, क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है द नंबर ओब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेसेज ऑफ द डिजिट इज 80 मोर देन द गिवन नंबर, यानी अब नंबर क्या हो रहा है बच्चों, चेंज कर दिया जा रहा है, यानी टेंस डिजिट का यानी 12 माइनस एक्स को हम यूनिट डिजिट के स्थान पर लिखेंगे और इस एक्स को टेंस प्लेस के स्थान पर लिखेंगे तो नया नंबर फॉर्मेट होगा ठीक है। लिखेंगे ऑन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, प्रिय बच्चों ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट के प्लेस को बदलने पर ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को बदलने पर वी हैव एक्स एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स एट द यूनिट प्लेस, यूनिट्स प्लेस ठीक है बच्चों। दियर फोर द न्यू नंबर, अब हम क्या निकाल लेंगे,
न्यू नंबर। न्यू नंबर हो जाएगा बच्चों, अब चेंज कर दे रहे हैं 10 इंटू यक्स, डिजिट्स चेंज 10 इंटू यक्स प्लस यहां पर लिख देंगे इसके स्थान पर 12 माइनस यक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 यक्स प्लस 12 माइनस यक्स इक्वल टू 10 यक्स में से यक्स निकल जाएगा बच्चों, आएगा 9 यक्स प्लस 12। क्लियर? इतना नोट कीजिए। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, यहां पे कंडीशंस केस सेकंड में कहा जा रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द प्लेसेज ऑफ द डिजिट इज 18 मोर देन द गिवेन नंबर। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 18 क्या होती है, अधिक हो जाती है। समझ में आया? दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो अब हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, नाउ इसकी मीनिंग ये हो गई, नाउ न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। तो हमारा न्यू नंबर क्या हुआ था बच्चों, न्यू नंबर क्या आया है 9 यक्स, ये तो आया है 9 यक्स प्लस 12 यही आया ना। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 120 माइनस 9 यक्स। अब इसमें 18 बच्चों क्या हो रहा है, ऐड कर दिया जा रहा, हमने ऐड इट इज लिख दिया। अब 9 यक्स का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड साइन ऑलवेज बी चेंज। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस 9x है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा 9x प्लस 9x। क्लियर? इक्वल टू 120 प्लस 18। अब हम इसमें 12 का ट्रांसपोज क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12। क्लियर? 9x ऐड करेंगे तो ये आएगा 18x इक्वल टू 120 18 में से 12 सबट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा 6, तो इक्वल टू 18x इक्वल टू अब आया 126। क्या आया बच्चों 126। यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इंप्लाइज दैट यक्स इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 18। 18 से डिवाइड कीजिए, जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हैं? पहले सिंपल नंबर से डिवाइड करते हैं, 29 जा 18 है ना, 26 जा 12, 23 जा 63। अब 9 की टेबल पढ़िए, इंप्लाइज दैट ये हो गया x इक्वल टू 63 बाई 9, 9 7 जा 63, तो इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आई बच्चों 7, x की वैल्यू क्या आई
सेवन, क्लियर? जब सेवन आ गई तो अब हम ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं। लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन एल, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने 120 माइनस 9x यही था। अब 120 माइनस 9 इंटू x की वैल्यू क्या है बच्चों, 7, तो 120 माइनस 63 हमने लेस कर दिया, कितना आ जाएगा 57। ओरिजिनल नंबर कितना आ गया बच्चों, 57, क्लियर? इसको नोट कीजिए, बिठा दे। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 8। इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज रिवर्स, द रिजल्टिंग नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाई 36, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है क्वेश्चंस, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8, यानी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज रिवर्स्ड, इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज रिवर्स्ड, यदि संख्या के अंकों का क्रम उलट दिया जाए, द रिजल्टिंग नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 36, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तब मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लेट करेंगे नंबर वन पॉइंट, लेट द यूनिट डिजिट यूएन आई टी लेट द यूनिट डिजिट लेट द यूनिट डिजिट बी यार। ठीक है बच्चों, देन द टेंस डिजिट, तब टेंस डिजिट क्या होगी, इनका सम कितना है 8 है, टेंस डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों, 8 माइनस यस क्या हो जाएगी 8 माइनस यस, लेट द यूनिट डिजिट बी यस देन द टेंस डिजिट 8 माइनस यस। ठीक है, अब हम बच्चों निकाल लेंगे ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन एल, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों, 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, यह जाएगा 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 80 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों
ये आ जाएगा 80 माइनस 9 x। क्लियर, समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, ये केस नंबर फर्स्ट था, अब केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में क्या है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स वी हैव यक्स एट टेंथ प्लेस, यक्स एंड टेंथ प्लेस एंड 8 माइनस यक्स एट यूनिट प्लेस। बोल रहे बच्चों, ऐसी कंडीशन में न्यू नंबर क्या हो जाएगा? Therefore न्यू नंबर इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 1 इंटू 8 माइनस x। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा 10x प्लस 8 माइनस x इक्वल टू, 10x में से x निकलेगा कितना आएगा, 9x प्लस 8। क्लियर? इतना नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। बच्चों नाउ अगेन, अब इसमें कह रहा है इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज रिवर्स, द रिजल्टिंग नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 36। यदि संख्या के अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है। ठीक है बच्चों, यही कह रहा है ना। yes, हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 8, प्लस कितना हो जाता है बच्चों, 36 अधिक हो जाते हैं। आप क्या करेंगे, 36 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, न्यू नंबर आपने क्या फॉरवर्ड किया था, 9x प्लस 8 इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों, 80 माइनस 9x, ये ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर से 36 क्या होती है, ग्रेटर हो जाती है न्यू नंबर। ठीक है, इसमें 36 ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये 9x है, इस 9x का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। इस नामा इस माइनस 9x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। माइनस 9x है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 9x। क्लियर? अब ये है 80 प्लस 36। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस 8 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज होकर के माइनस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस एट। क्लियर? अब 9x 9x इसको ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 18x, कितना आएगा 18x, और 80 और 36 को ऐड कर देते हैं तो 116 आ जाता है, 116 माइनस 8। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 18x है, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 108 यानी 108 आएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यहां पर लगा देते हैं इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 108 बाई 18। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 29 जा 18, 25 जा 24 जा, तो इम्प्लाइज दैट ये आया बच्चों x इक्वल टू 54 बाई 9। क्या आया? x इक्वल टू 54 बाई 9। अब 9 से डिवाइड कीजिए, 9 6 जा 54, कितना होगा 54। 6 जा 6 टाइम गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, डिवाइड किया 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 आ गया। तो अब हम लिख देंगे एंड द ओरिजिनल नंबर, एंड द ओरिजिनल, एंड द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 80 माइनस 9। यस, ठीक है, 80 माइनस 9x, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 माइनस 9x की वैल्यू कितनी है 6। अगले स्टेप में यहां पर सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस 96 जा 54, 54 हम लेस कर लिए, 80 में 54 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 26, कितना आएगा 26। ठीक है, बिठा दे। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15 इफ द नंबर फॉर्मेड बाई द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग 15 है, इफ द नंबर फॉर्मेड बाई द रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यदि यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द डिजिट ऑफ, लेट द डिजिट ऑफ, लेट द डिजिट, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस बी एफ। ठीक है बच्चों, नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट लिखेंगे, अब टेंथ प्लेस निकाल सकते हैं, देन द टेंथ, देन द डिजिट, देन द डिजिट, देन द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, टेंथ
place. Then the digit in the tens place equal to आ जाएगा बच्चों क्या 15 माइनस यस, क्योंकि दोनों का सम कितना गिवेन है 15 गिवेन है, ठीक है। अब इसमें निकाल लेंगे अब हम क्या ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन ए एल ओरिजिनल नंबर आइए बच्चों ओरिजिनल नंबर फाइंड करते हैं। 10 प्लेस यानी 10 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 15 माइनस यस 10 इंटू 15 माइनस यानी ये 10 प्लेस की वैल्यू है प्लस 1 इंटू यस। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों ये आ जाएगा 10 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 10 यस प्लस यस इक्वल टू और सिंप्लीफाई करेंगे 150 माइनस 9। प्रिय बच्चों ये केस नंबर फर्स्ट था, सेकंड केस में कह रहा है इफ द नंबर फॉर्मेड बाई द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, ठीक है। अंकों का स्थान बदल दिए जाने पर मूल संख्या नई संख्या से 27 कम हो जाती है, यानी केस सेकंड। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन ए एल ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर माइनस न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 150 माइनस 150 माइनस 9 है, ठीक है, ये हो गया। और न्यू नंबर हमारा क्या है बच्चों अच्छा अभी ओरिजिनल नंबर तो हमने निकाले नहीं ऑन रिवर्सिंग द डिजिट डायरेक्टली लगा दे रहा है, इसको मिटा देते हैं बच्चों थोड़ा और साथ डायरेक्ट कर रहे थे इस तरह हमें नहीं करना है। लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग आर ई वी ई आर एस ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट वी है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट वी है यक्स एट टेंथ प्लेस यक्स एट टेंथ प्लेस, ठीक है। एंड 15 माइनस एक्स 15 माइनस एक्स एट द यूनिट प्लेस यूनिट्स प्लेस हियर तो न्यू नंबर भी पहले निकाल लेते हैं देन हियर फॉर न्यू नंबर न्यू नंबर न्यू नंबर क्या हो जाएगा बच्चों अब इसके डिजिट चेंज हो जा रहे हैं 10 इंटू यक्स प्लस यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 15 माइनस यक्स 1 इंटू 15 माइनस यक्स क्लियर यस सर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों आ जाएगा यहां पर क्या 10 यक्स प्लस 15 माइनस एक्स और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 9x प्लस 15 क्या आएगा 9x प्लस 15 क्लियर यस सर। अब केस सेकंड
यहां से लिख देंगे के सेकंड। के सेकंड में क्या है कि ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन एस ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर। माइनस न्यू नंबर इक्वल टू 27। यही हो रहा है इक्वल टू 27। ये बच्चों है 150 ओरिजिनल नंबर है 150 माइनस 9x और न्यू नंबर हमारा फॉर्मेट हुआ है माइनस का 9x प्लस 15 इक्वल टू 27। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों इसको 9 से ही बना देते हैं। अब सॉल्व करेंगे 150 माइनस 9x। अब माइनस की साइन है अंदर की साइन क्या होगी बच्चों चेंज हो जाएगी। ठीक है इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय अंदर का चिन्ह बदल जाता है माइनस 15 इक्वल टू 27 आ जाए। ठीक है अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे 150 में से 15 लेस कर देंगे कितना आएगा 135। कितना आएगा बच्चों 135। ठीक है 135 और ये ऐड हो जाएगा माइनस का 18x इक्वल टू 27। क्लियर इतना नोट कीजिए। इसको मिटा दें। प्रिय बच्चों अब इसमें हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे लिखेंगे माइनस 18x और ये 27 और 135 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 135 में इंप्लाइज दैट माइनस का 18x। अब इन बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड में जो है बिगर नंबर की साइन लगेगी ये क्या आएगी माइनस 108 कितना आ जाएगा माइनस 108 यही तो आएगा। अब माइनस से माइनस क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर बच्चों लिखेंगे 18x इक्वल टू 108 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 108 बाई 18 बाई 18। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2 9 18 2 5 10 2 4 8 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 54 बाई 9 9 6 54 9 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 x की वैल्यू 6 आ गई तो ओरिजिनल नंबर हम निकाल सकते हैं है ना। यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर ओ आर आई जी आई एन ए ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चों 159x है ना। अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे 150 माइनस 9x की वैल्यू 6 150 में 6 लेस कर देंगे 9 6 54 लेस कर दीजिए कितना आएगा 54 लेस कीजिए कितना आ जाएगा 96। ये 96 बच्चों आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर इसको नोट कीजिए।
मिटा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन फोर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 10 इफ द न्यू नंबर फॉर्मेड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। दो अंकों से बनी संख्याओं के अंकों का योग 12 है। इफ द न्यू नंबर फॉर्मेड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। पुनः इफ द न्यू नंबर फॉर्मेड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चनों के प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहली बात इसमें लिख रहा है गिवन क्या दिया गया है। गिवन है बच्चों द सम ऑफ द टू डिजिट्स, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर टू डिजिट लिख देते हैं। डिजिट्स DIGITES डिजिट्स, ये बच्चों कितना गिवन है 12। ठीक है, अब यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट द डिजिट क्या लिखते हैं, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी एक्स। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, देन द डिजिट इन द टेंथ प्लेस आ जाएगा 12 माइनस यस। क्या आएगा बच्चों, 12 माइनस यस। अब फिर निकाल लेंगे डियर फोर ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 10, इसके स्थान पर 12 माइनस एक्स, फिर यूनिट प्लेस के स्थान पर 1 इंटू एक्स। सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक स्टेप 120, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 120 माइनस एक्स, 120 माइनस 10 एक्स और ये प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 120 माइनस का 9x, 120 माइनस 9x। क्लियर। अब उसके बाद केस सेकंड, पहले रिवर्स नंबर कर लेते हैं।
नंबर को क्या कर देते हैं बच्चों, रिवर्स कर देते हैं। लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट वी हैव यस एट टेंथ प्लेस, यस एट टेंथ प्लेस, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट वी हैव यस एट टेंथ प्लेस एंड एंड 12 माइनस एक्स एट द यूनिट प्लेस, यूनिट्स यूनिट्स प्लेस यूनिट प्लेस PLACE। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हम निकाल लेंगे दियर को न्यू नंबर, क्या निकालेंगे न्यू नंबर आपका आ जाएगा 10 प्लेस के स्थान पर क्या आ गया, यस 10 इंटू यक्स प्लस 1 12 माइनस यक्स। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10x प्लस 12 माइनस यक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 9x प्लस 12, 9x प्लस 12। ठीक है, क्लियर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, इफ द न्यू नंबर फॉर्मेड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, ठीक है, तो ये न्यू नंबर हो जाएगा बच्चों, यहां लिखेंगे न्यू नंबर, इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ORIGINAL, ओरिजिनल नंबर, बाई 54, 54 क्या होता है, न्यू नंबर ग्रेटर हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। ठीक, समझ आया बच्चों, yes। अब यहां पर न्यू नंबर हमारा कितना है, 9x प्लस 12, और ओरिजिनल नंबर कितना है बच्चों, 120 माइनस 9x प्लस 54। अब इसको बच्चों सरल कर लेते हैं, 9x का ट्रांसपोज करेंगे, इस माइनस 9x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 9x, क्लियर। इसी प्रकार 120 प्लस 54, अब इसमें प्लस 12 का ट्रांसपोज इस तरफ कर देंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 12, ठीक है, 9x मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों, 18x, ठीक है, और 120 में 54 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, हाउ मच नंबर, 174 माइनस का 12, क्लियर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर लगा देते हैं, दिख रहा है ना, यस सर, तो 18x
यानी 18x इक्वल टू आ गया 174 में 12 लेस कर देंगे कितना आएगा 162। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद अगले स्टेप में x इक्वल टू क्या आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 18 से डिवाइड कर दीजिए x क्या आ जाएगा 162। क्लियर? यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। यक्स की वैल्यू बच्चों 9 आ गई। क्लियर? अब हम लिख देंगे द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल ORIGINAL द ओरिजिनल नंबर, यहीं पे लिख देते हैं छोटा छोटा करके द ओरिजिनल नंबर। क्लियर? क्या था 120 माइनस 9x, यहाँ पर 120 माइनस 9x। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करो, 120 माइनस 9x की वैल्यू कितनी है 81 ना। 120 में बच्चों 81 घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा सबट्रैक्ट करो 39। क्या आ जाएगा? ये हो गया बच्चों 39। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज थ्राइस टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन कह रहा है यानी टेंस डिजिट का जो नंबर है वो यूनिट डिजिट के नंबर्स का 3 गुना है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यदि अंकों के स्थान उलट दिए जाते हैं तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको हम सब सॉल्व करते हैं। लिखेंगे द, इसमें लिखेंगे लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट, लेट द डिजिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी यक्स, ठीक है यक्स, ठीक है, देन यहां लिख दे रहे हैं, देन द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, रिकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चों थ्राइस। क्लियर? ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज थ्राइस टाइम्स
दैट इन द यूनिट प्लेस, ठीक है, दो अंकों वाली संख्याओं के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया 3x। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद इफ द डिजिट आर रिवर्स, पहले हम नंबर पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड करेंगे, ओरिजिनल नंबर, और दियर फॉर ओरिजिनल नंबर OriginalNKL ओरिजिनल नंबर। अब बच्चों ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम टेंस के स्थान पर लिखेंगे 10 × 3x, और यूनिट के स्थान पर क्या था 1 × x, अगले स्टेप में हो जाएगा ये 30x + x, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 31x। क्लियर? तो उसके बाद कह रहा है पेज सेकेंड, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर विल बी 36 less than द ओरिजिनल नंबर, यदि संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो नया नंबर मूल नंबर से 36 कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे ऑन रिवर्सिंग केस सेकंड, यहां से बच्चों केस सेकंड, ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट वी है, वी है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स, ठीक है, एंड टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पर क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, है यूनिट प्लेस, यूनिट उल्टा लिख दिया, यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा बच्चों 3x, और टेंथ प्लेस पर क्या हो जाएगा यस, ठीक है। अब देन द न्यू नंबर, then the new number, then the new number, new number क्या हो जाएगा आपका, अब 10 × x + 1 × 3x, यह आ जाएगा 10x + 3x, ऐड कर देंगे बच्चों यह आ जाएगा 13x, कितना आएगा 13x, कितना आएगा 13x। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हुआ है, यानी ओरिजिनल नंबर कितना है बच्चों 31x, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 31x - 36 इक्वल टू न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या आया है 13x, यही कह रहा है क्वेश्चन, yes, यही कह रहा है इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 less than द ओरिजिनल नंबर, 31x क्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वन में 36 लेस हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा न्यू नंबर, और न्यू नंबर कितना बच्चों 13x, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे 13x का हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगा 31x, 31x माइनस का 13x और 36 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये 36 31x में से लेस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, इंप्लाइज दैट 18x कितना आएगा, 18x इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आया 36/18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, कितनी आई 2, क्लियर। अब हम क्या निकाल लेंगे, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने कितना फाइंड किया है 31, यस, तो यहां लिख देंगे ओरिजिनल नंबर ORIGINAL, ओरिजिनल नंबर NUMBER, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा 31x आया है, 31x ठीक रहा है ना, यहाँ पर 31x, x की वैल्यू कितनी है 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62, यही बच्चों क्या हो गया आंसर, क्लियर। इसको नोट कीजिए, प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल सिद्ध होगा, आपने इस वीडियो को देखा सुना समझा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।